अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जस्ट आपको जो से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है उसको शो करके और उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका वक्त भी बच सके, लेकिन आपको प्रिपरेशन जो हो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि विच of these make up the bryophyta division of kingdom plantae, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी है मॉसेज और लिवरवर्ट जो होती हैं वो आपके पास किंगडम प्लांटे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, अच्छा एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है अपनी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को या अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास करेक्ट आ जाता है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं तो वेयर यू कैन यू फाइंड मॉस, आप मॉस को कहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको पता है मॉसेस जो होती हैं वो डैम्प प्लेसेस में पाई जाती हैं, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि डैम्प एंड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स जो है ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो एमसीक्यूज नंबर थर्ड का करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं लिवरवर्ट आर मोस्ट कॉमनली फाउंडेड, तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है कि डैम्प प्लेसेस के अंदर जो होती हैं वो लिवरवर्ट्स पाई जाती हैं। साथ में पिक्चर्स भी हैं, पिक्चर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं वो उस स्ट्रक्चर को जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन करें। अच्छा यू नो इट इज़ अ लिवरवर्ट, वैन आपको कैसे पता चल जाता है कि ये एक लिवरवर्ट है, क्योंकि एक लिवरवर्ट का नाम लिवरवर्ट रखा ही इसलिए गया है क्योंकि इसकी शेप जो होती है ह्यूमन लिवर के साथ जो है रिजेंबल करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि इट हैज़ प्लांट शेप लाइक अ ह्यूमन लिवर, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, यू नो इट इज़ अ मॉस, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक मॉस है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं जब हमें कोई स्टेम नहीं अपीयर होगी और फजी सा स्ट्रक्चर सा होगा और थिन और लाइट जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये देख सकते हैं आप एक फजी सा स्ट्रक्चर है, नहीं समझ आ रही कि स्टेम कौन सी है और क्या हिसाब है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को देखते ही हम कहेंगे ये एक मॉस है। अच्छा हमारे पास मॉस कैसे रिप्रोड्यूस करती है, तो ये मॉस जो होती है वो सेक्चुअली जो है हमारे पास रिप्रोड्यूस कर रही होती है। तो सेवन्थ का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर वो आपके पास बी है। हाउ डू लिवरवर्ट रिप्रोड्यूस, तो आपके पास लिवरवर्ट्स जो होती है वो आपके पास दो तरीके से करती है, वेजिटेटिवली भी करती है और सेक्चुअली भी करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है वो करेक्ट आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विच ब्रायोफाइट्स हैज़ नो एयर पोर्स अंडर इट एक्सियल सर्फेस, यानी कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स होता है जिसके अपर सर्फेस पे जो है हमारे पास क्या नहीं मौजूद होते, पोर्स नहीं मौजूद होते एयर, वो हमारे पास न्यूमरेटेरिया जो है वो ऐसी स्पीशी है जिसके अपर साइड पे ये मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैव रूट स्टेम एंड वास्कुलर सिस्टम, ये फॉल्स है क्योंकि इनके पास ये चीज़ें लैक कर रहा होता है ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल मॉसेस एंड लिवरवर्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर, तो ये भी गलत है, तो आपके पास ये भी फॉल पे आप जो है यहाँ फॉल्स पे आप जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है तो आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस, आर्चिगोनियम क्या चीज़ बनाती है, तो आपको पता है ये एग सेल बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास इसमें वो करेक्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट वन है द कॉमन करेक्टर्स ऑफ लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्म, जो कॉमन करेक्टर्स होते हैं लिवरवर्ट्स के और हॉर्नवर्म के वो ये होते हैं कि इनके पास राइजाइट्स होता है और गैमेटोफाइट जो होता है इनका डोमिनेंट लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकेंगे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इन्हें हम लोग राइजाइट्स कहते हैं और गैमेटोफाइट वो होता है जिसके पास गैमेटोफाइट एक जनरेशन जो होती है इनकी डोमिनेंट होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। फिर गैमा कैप एंड द गैमा इज द करेक्टर्स ऑफ, गैमा कैप्स और जो गैमा होते हैं वो क्या करेक्टर्स है, वो आपको पता है वेजिटेटिव बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे से कैप्स आपको सामने शो हो रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। आयरिश मॉस कहते हैं, तो ये आपके पास रेड एल्जी जो है वो आपके पास आयरिश मॉस कहलाता है। नेक्स्ट रेंडियर मॉस जो होता है वो उसे हम लोग कौन सी, वो हमारे पास आपको पता है लाइकन का जो दूसरा हमें नाम कहते होते हैं वो हमारे पास रेंडियर मॉस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर वो हमारे पास करेक्ट आ जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें आपके पास एमसीक्यूज नंबर 17 की कि हमारे पास क्लब मॉस जो होती है उसे किसको कहते हैं, तो इक्वेसिटम जो है वो हमारे पास क्लब मॉस होते हैं, तो ऑप्शन जो है इनका वो ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। फिर अगर हम लोग कहते हैं स्टोमेटा इज द फर्स्ट अकर इन विच ग्रुप, स्टोमेटा जो था सबसे पहले किस ग्रुप में अकर करता आया था या अकर, वो हमारे पास 18 जो है वो आपके पास
बी जो है हॉर्नवर्ट्स जो है इसके अंदर सबसे पहले स्टोमेटा आता है। तो स्टोमेटा ये सिकी साइज स्मॉल पोर्स होता है। बॉटनी के स्टूडेंट इससे आगाह होंगे कि ये जो पोर होता है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है। दो डिफरेंट पार्ट, तो ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, गैसेज एक्सचेंज में भी, जिस गैसेज एक्सचेंज में रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस भी होती है। अच्छा, हाइड्रॉइड्स एंड लिप्टाइड्स आर कंपेयर विद, ये अब आपके पास जाइलम और फ्लोएम से जो है इनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल जो एमसीक्यूज है वो है एंथेसिराज गैमेटोफाइटिक थैलस हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो वो आपके पास नॉस्टाक है जो कि आपके पास एक साइनो बैक्टीरिया। ये हमारा आज का जो वीडियो सेशन था ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस भी इस तरीके से बनाएं। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आप इसी तरीके की वीडियोस को सुन सकें। शुक्रिया, थैंक यू।